हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LCS क्लासेस। तो आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज सेट। ठीक है, तो बच्चों सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है। आने वाली बहुत सारी यूनिट्स में हम सेट थ्योरी का यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं सेट क्या होता है। ठीक है, तो सेट को इनडायरेक्ट वे में आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि आप क्लास 9th में या क्लास 10th में आपने देखा होगा आप कैपिटल N यूज करते थे फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से आप जेड यूज करते थे फॉर इंटीजर। इंटीजर के लिए आप क्या यूज करते थे? जेड यूज करते थे। तो जो सिंबल है कैपिटल एन कैपिटल जेड, ये सेट थ्योरी से ही तो आए हैं। ठीक है, तो कैपिटल एन डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और कैपिटल जेड डिनोट करता है सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी को जॉर्ज कैंटोर नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, जो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेट क्या होता है। ठीक है, ओके, देखेंगे। तो डिफाइन करते हैं सेट को। अगर मैं बेसिक डेफिनेशन लिखूं सेट की, तो डेफिनेशन क्या होगी सेट की? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बस, ठीक है, इतनी सी डेफिनेशन होने वाली है। एक सेट क्या होता है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होने वाला है? तो वेल डिफाइंड होता है अच्छी तरह से स्पष्ट, अच्छी तरह से स्पष्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड होता है अच्छी तरह से स्पष्ट। तो हम हर एक कलेक्शन को सेट नहीं बोल सकते, हम केवल उन कलेक्शन को सेट बोलते हैं जो अच्छी तरह से स्पष्ट होते हैं, है ना। या आप इसका दूसरे तरीके समझ सकते हो कि जो सेट होते हैं ऐसे कलेक्शन होते हैं जिनकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती। ठीक है, इसको मैं आगे लिख सकता हूं, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, लिख सकते हो आप इसको ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन वह होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेट ऑफ वोवेल बनाइए, ठीक है, तो आपके दिमाग में अचानक से पांच नंबर आ जाएंगे, दैट इज ए ई आई ओ यू, क्योंकि ये पांचों क्या है? वोवेल्स हैं। तो ये वोवेल्स अपने आप में क्या है? वेल डिफाइंड है। वोवेल्स क्या है अपने आप में? वेल डिफाइंड है। अगर ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे तो मैं भी ये जवाब देने वाला हूं कि ए ई आई ओ यू क्या बन जाएगा? कलेक्शन ऑफ वोवेल बन जाएगा। या आप किसी दूसरे बंदे से पूछोगे जिसको पता होगा कि सर अगर हम कलेक्शन करें वोवेल्स का तो क्या होने वाला है, तो दूसरे बंदे का जवाब यही होगा ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो जब भी वोवेल्स की बात आती है तो वोवेल्स अपने आप में क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, वोवेल्स का सेट हम वी से डिनोट कर सकते हैं, वी ए ई आई ओ यू। ठीक है, देखो इसका रिप्रेजेंटेशन आगे चलते हुए सीखने वाले भी समझ लो एक बार इसको सेट क्या होता है। ठीक, और देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का कलेक्शन करिए, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का कलेक्शन भी क्या है? वेल डिफाइंड है। ठीक है, आसानी से आप बता सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आप 10 तक शुरू के 10 नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो भी क्या होगा? वेल डिफाइंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। आसानी से आप इसको कलेक्शन को कर सकते हो, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो किस तरीके का कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी तो हमने एग्जांपल देखे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन थे जिसको हम सेट बोल सकते थे। तो ऐसे कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाए। जैसे मैं कहूं आप मुझे वर्ल्ड के टॉप 5 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स बताइए। ठीक है, आप मुझे वर्ल्ड के टॉप 5 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर बताइए। ठीक है, अब देखो ये जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है ये अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? अगर आप मुझसे पूछो, ठीक है, तो मुझे विराट कोहली अच्छा लग सकता है, या आप किसी दूसरे बंदे से जाके पूछो तो हो सकता है वो विराट कोहली उसको टैलेंटेड नहीं लगता हो, है ना, वो विराट कोहली को लाइक नहीं करता हो, उसको रोहित शर्मा ज्यादा अच्छा खिलाड़ी लगता है। तो जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है ये अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि भैया पांच सबसे खतरनाक जानवरों के नाम बताइए, ठीक है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के नाम बताइए पांच, ठीक है, तो वो भी क्या है? वो भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस के हर बंदे को अलग अलग जानवर से डर लगता है। ठीक है, किसी को शेर से डर लग सकता है और कोई कुत्ते से भी डर जाता है, तो किसी बंदे के लिए तो कुत्ता भी क्या है? मोस्ट डेंजरस एनिमल है, मोस्ट डेंजरस एनिमल है, और कोई क्या होता है? ठीक है, किसी के लिए क्या होगा? किसी के लिए शेर मोस्ट डेंजरस एनिमल्स होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से
क्या होंगे, ये जो कलेक्शंस होते हैं जैसे मोस्ट डेंजरस हो गया वर्ड या मोस्ट टैलेंटेड हो गया, ठीक है, तो ये हमारे वेल डिफाइंड नहीं होते हैं या इनके कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते। आई बात समझ में? आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, अगर हम किसी कलेक्शन की बात करते हैं, उस कलेक्शन को सोचिए, अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो कलेक्शन करने के लिए, या वो कलेक्शन करने के लिए किसी दूसरे बंदे से पूछा जाए, अगर आंसर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वो सेट ही होगा। जैसे मैं किसी भी राइटर का नाम ले सकता हूं, मुंशी प्रेमचंद, है ना, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सभी काव्यों का कलेक्शन, ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी काव्य लिखे हैं उन सभी का अगर आप कलेक्शन करें तो वो तो फिक्स है। आई बात समझ, वो क्या होगा, वो एक सेट होगा। अगर आपसे मैं कहूं कि भैया दुनिया के 5 सबसे लोकप्रिय काव्य, ठीक है, तो जो लोकप्रिय वर्ड है ये भी क्या है, अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। किसी बंदे के लिए कोई ज्यादा लोकप्रिय हो सकता है, किसी बंदे के लिए कोई दूसरा काव्य ज्यादा लोकप्रिय हो सकता है। आई बात समझ में? चलिए इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि और वेल डिफाइंड कलेक्शन की हम बात करें तो मैं लिख सकता हूं फर्स्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट टू पॉजिटिव इंटीजर, इसको मैं S1 से डिनोट करता हूं, फर्स्ट टू पॉजिटिव इंटीजर में क्या लिख सकता हूं, 1, 2। फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर, इसको P से डिनोट कर लेते हैं, P1 से, फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर, तो पहला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे कलेक्शन कर सकते हैं जो वेल डिफाइंड होंगे और जो क्या होंगे, जो अपने आप में एक सेट होंगे। एक बात और, जब हम किसी सेट को लिखते हैं तो सेट को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, ठीक है, जैसे मैंने गोबिल के सेट को कैपिटल बी से डिनोट किया, इसको मैं स्मॉल बी से डिनोट नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरीके से जब भी हम सेट को लिखते हैं तो हमेशा उसको एक कैपिटल अल्फाबेट से ही डिनोट किया जाता है। आई बात समझ में? उसके बाद आप एक साइन और याद रखेंगे, ये वाला, ये साइन कहलाता है बच्चों बिलोंग्स टू, इसका बहुत ज्यादा हम यूज करने वाले हैं, बिलोंग्स टू। इस साइन का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। जैसे मेरे पास सेट ऑफ गोबिल था, ठीक है, तो आप देखो ये जो है सेट ऑफ गोबिल में हमने जो कलेक्शन किया है, ये जो कलेक्ट हमने किए हैं, ये कहलाते हैं एलिमेंट्स। सेट के क्या कहलाएंगे, ये एलिमेंट्स। तो इस सेट में ये 5 एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि ए बिलोंग्स टू वी, इसका मतलब क्या हो गया, ए बिलोंग करता है, ए का संबंध है गोबिल से, गोबिल के सेट से। आई बात समझ में? तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। या फिर अगर मैं कोई दूसरा नंबर लूं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया एस, लिख दिया एस, स्मॉल एस, तो हम क्या लिखेंगे, एस डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, कि एस वोबिल के सेट से बिलोंग नहीं करता है। आई बात समझ में? तो अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, जैसे कि अगर मैं दूसरे सेट में देखूं यहां पर, तो मेरे पास एक एलिमेंट है 5, जो कोमो के बीच में लिखा हुआ है, तो 5 क्या है, एक फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के सेट का एलिमेंट है, तो मैं लिख सकता हूं 5 belongs to S, इस S set से क्या 5 belong कर रहा है, belong का मतलब होता है कि 5 इस set का क्या है, element है। आई बात समझ में? तो ये थी set की कहानी। अब आगे हम discuss करने वाले हैं बच्चों set को लिखने के तरीके क्या है, ठीक है, ये जो मैं bracket में लिख रहा हूँ, मैं इसको इस particular way में represent क्यों कर रहा हूँ, तो set को किस तरीके से represent किया जाता है, note करें जल्दी से इसको। Yes, देखते हैं बच्चों representation of a set। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हम अभी पढ़ने वाले हैं, और सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तीसरा तरीका भी पढ़ेंगे जो आने वाली कुछ एक्सरसाइज में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेट को मोस्टली हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक कहलाती है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरी कहलाती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो पहले देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से हम किसी सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो बच्चों रोस्टर फॉर्म में हम जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, उनकी लिस्ट तैयार करते हैं, और लिस्ट में हर एक एलिमेंट को कोमो से सेपरेट करते हैं, और जब हमारा सेट कंप्लीट हो जाता है उसको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं लिखूं सेट ऑफ, है ना, पुराना वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सेट ऑफ बोबिल्स, अगर मैं बोबिल्स का सेट बनाऊं, तो ध्यान से देखो किस तरीके से हम उसको रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो पहली बात, तो जब हम सेट का रिप्रेजेंट करते हैं कोई इंग्लिश का कैपिटल अल्फाबेट लेंगे, तो जैसे मैं बोबिस का सेट बना रहा हूं, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल वी का यूज कर सकता हूं, कैपिटल एस का यूज भी कर सकता हूं, वो आप अपनी तरफ से चुन सकते हैं। तो कैपिटल वी से मैं लिखने वाला हूं सेट ऑफ बोबिस। अब ध्यान से देखो इक्वल टू का साइन आएगा, जब आप सेट को लिखना शुरू करते हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है, जब सेट को लिखना शुरू करोगे तो कर्ली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर इसके एलिमेंट लिखना शुरू करते हैं, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स उनको बोलते हैं जिनका हम कलेक्शन करते हैं। तो बोबिल्स में हम कुछ पर्टिकुलर अल्फाबेट का कलेक्शन करने वाले हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, तो पहला एलिमेंट आएगा ए,
उसके बाद बच्चों कोमा आएगा, याद रखना, उसके बाद कोमा आएगा, अब दूसरा एलिमेंट ई, अगेन कोमा, आई कोमा ओ कोमा यू, यू हमारे सेट का लास्ट एलिमेंट है, तो इसके बाद कोमा नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमने सेट ऑफ वोबिल को किसमें रिप्रेजेंट कर दिया है, एक रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, पहला अल्फाबेट जो पहला वोबिल लिखेंगे, कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, आई बात समझ में। और देखते एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट फोर ऑड नंबर्स का सेट लिखूं, ठीक है, क्या लिखना चाहता हूं मैं, सेट ऑफ फर्स्ट फोर नेचुरल ऑड नंबर, ठीक है, तो शुरू के चार नेचुरल ऑड नंबर, मतलब चार नंबर लिखने हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसको मैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इक्वल टू, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहला ऑड नंबर देखेंगे तो पहला क्या आएगा, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए तो वन आ गया, उसके बाद कोमा लगाएंगे, दूसरा एलिमेंट से पहले कोमा लगाएंगे, दूसरा कोमा फाइव कोमा सेवन, तो ये मैंने फर्स्ट फोर है ना ऑड नेचुरल नंबर लिख दिए है। एक बात आप याद रखेंगे, जो हम दो कोमों के बीच में ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, जैसे ये तीन दो कोमों के बीच में लिखा है तो तीन इस सेट का एलिमेंट कहलाएगा, वन इस सेट का एलिमेंट कहलाएगा ना, स्टार्टिंग में तो कोमा नहीं लगता है तो इसके बाद कोमा लगेगा, वन इस सेट का एलिमेंट फाइव सेवन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि थ्री बिलोंग्स टू एस, याद रखना ये साइन मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलोंग्स टू बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं सेट थ्योरी में, ठीक है, तो थ्री बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब क्या हो गया, थ्री एस सेट का एलिमेंट है, इसलिए यहां पर मैं देखो किस तरीके से लिख सकता हूं, ए बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या हो गया, ए बॉबिल्स के सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए जो हमारी कुछ फाइनाइट सीरीज थी, इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन सकते थे, अगर मेरे पास सेट नेचुरल नंबर का आ जाए तो नेचुरल नंबर की देखो है तो वेल डिफाइंड, अगर मैं कहूं भाई नेचुरल नंबर का सेट बनाओ तो आपके दिमाग में एकदम से बात आ जाए कि भैया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन, सो ऑन का मतलब इस तरीके से लिस्ट आगे बढ़ती रहेगी, अंत तो होने नहीं वाला लिस्ट का, तो क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो कलेक्शन तो बिल्कुल वेल डिफाइंड, लेकिन इसकी लिस्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं देखेंगे। तो अब मैं लिखने वाला हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ध्यान से देखेंगे बच्चों, नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से, देखो ये स्टैंडर्ड सिंबल है इसका, ये स्टैंडर्ड सिंबल है, कैपिटल एन से ही हम डिनोट करते हैं, इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिस्ट बनाने शुरू करेंगे, वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, अब तीन के बाद आप फोर लिख भी सकते हो या इसको यहीं पर छोड़ के क्या करने वाले हैं, कोमा फोर लगा के कोमा, उसके बाद फाइव सिक्स सेवन एट, तो सो ऑन को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ तीन डॉट लगाते हैं, एक दो तीन, इसका मतलब क्या होता है कि ये पैटर्न ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, याद रखना ये कितने डॉट लगाने, आपको सिर्फ तीन डॉट लगाने और तीन डॉट के बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं सेट ऑफ इंटीजर, तो सेट ऑफ इंटीजर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल जेड से, तो कैपिटल जेड से अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर लिखूं तो बीच का एलिमेंट जीरो मान लेते हैं, बीच का तो नहीं होता, लेकिन जीरो से इस तरफ पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, इस तरफ निगेटिव इंटीजर आ जाएंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे वन टू, नहीं तो छोड़ दो, इधर माइनस वन इधर माइनस टू, इधर ये माइनस इनफाइनाइट तक सीरीज चलने वाली है, इधर प्लस इनफाइनाइट तक सीरीज चलने वाली है, तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे, तीन डॉट इधर लगा दो, तीन डॉट इधर लगा दो, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर को, बीच में जीरो लिख देते हैं, वन टू, इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो होता रहेगा, पीछे माइनस वन माइनस टू, ये पैटर्न फॉलो होता रहेगा, आई बात समझ में। इसके बाद अगर मैं और लिख सकता हूं सेट ऑफ फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, इसको मैं कैपिटल पी डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, तो फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, टू थ्री और फाइव, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो याद रहे ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं याद रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरे सेट को लिखना है, एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है और हर दो एलिमेंट्स के बीच में कोमा लगाते जाना है, आई बस में, तो कॉमा से एलिमेंट को सेपरेट करना है और लिस्ट बनाकर उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये कहलाता है रोस्टर और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, क्या आप रोस्टर फॉर्म में हर तरीके के सेट को लिख सकते हो, तो नहीं लिख सकते हो। अगर मैं बात करूं रियल नंबर के सेट की, तो रियल नंबर के सेट की आप लिस्ट कैसे बनाओगे, चलो कोशिश करते हैं,
ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रियल नंबर के सेट कीजिए, देखो तो रियल नंबर के सेट को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलो मैंने स्टार्ट किया, बीच में एक नंबर जीरो ले लिया, आगे मैं क्या रियल नंबर लिखूं, क्योंकि अगर ये पैटर्न फॉलो होना है तो पहले आपको कोई तो सीरीज देनी पड़ेगी, जैसा आप यहाँ से समझ गए 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखो रियल नंबर तो क्या डेसिमल में भी हो सकते हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0, उसके बाद 0.1, उसके बाद 0.2 एंड सो ऑन। क्या ये लिस्ट सही होगी, सोच के बताओ, नहीं होगी ये लिस्ट सही नहीं होगी। क्यों? अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कराओगे तो ध्यान से देखो बच्चों, जीरो के बाद क्या आया 0.1, उसके बाद 0.2। क्या आपको ये नहीं पता जीरो और 0.1 के बीच में भी इनफाइनाइट अनगिनत नंबर ऑफ रियल नंबर्स होने वाले हैं, अनगिनत रियल नंबर्स होने वाले हैं। जैसे 0 और 0.1 के बीच में मैं नंबर क्या लिख सकता हूं, 0.01, 0.02। ठीक है, तो क्या इस सीरीज को अब मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूं 0, 0.01, 0.02, तो ये भी सीरीज काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हर दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर लिखे जा सकते हैं। इससे छोटा नंबर लिखने के लिए क्या कर सकते हो आप, 0.001 इस तरीके से, उससे छोटा नंबर लिखोगे 0.0001, 0 बढ़ाते जाइए। आई बस में डेसिमल के बाद, तो इस तरीके से हम फेल हो जाते हैं रोस्टर फॉर्म में रियल नंबर को लिखने से, मतलब रियल नंबर के सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो आगे आने वाली है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो देखते हैं ये रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता इसको, तो आगे हम डिस्कस करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म भी सेट को रिप्रेजेंट करने का ही एक तरीका है। इस फॉर्म में हम एक कोई सिंबल डिफाइन कर लेते हैं, कोई स्मॉल अल्फाबेट में सिंबल डिफाइन कर लेते हैं, वो सिंबल हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और फिर हम उस सिंबल की प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं, ऑल द एलिमेंट्स हैविंग द सेम कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ये एलिमेंट्स फॉलो करने वाले हैं, जो आप कलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी के जो जितने भी एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे उनको हम एक सिंगल सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। X ले सकते हो, स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं ना, X स्मॉल, Y स्मॉल, Z स्मॉल, ये कोई भी एक स्मॉल अल्फाबेट लेटर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय कोलन, उसके बाद क्या करते हैं, कोलन लगाते हैं। अभी करेंगे इसको, मैं डेफिनेशन पढ़ लूं पहले इसकी पूरी, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इज डिफाइंड, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, और उसके बाद इस पूरे डिस्क्रिप्शन को हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये कहलाता है रिप्रेजेंट ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। देखते हैं एग्जांपल। अब देखो जो हमने यहां पर ये डिफाइन किए हैं सेट, इन्हीं को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाता हूं। जैसे मुझे सेट ऑफ बॉबल्स को क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो ध्यान से देखो, कैपिटल बी से डिनोट करता हूं उसको मैं, इक्वल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब आप एक सिंबल चुनेंगे, सिंबल कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, लेकिन उसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर एक्स चुन लिया है, तो जनरली एक्स लिखता हूं मैं, तो ये मैंने एक्स ले लिया, उसके बाद लगाएंगे कोलन, उसके बाद क्या लगाएंगे, कोलन लगाएंगे, और कोलन लगाने के बाद उसकी खासियत लिखेंगे कि एक्स की खासियत क्या है। तो मैं यहां पर खासियत लिखता हूं कि भैया एक्स इज ए वोबिल, एक्स एक वोबिल है, ये तो इसकी खासियत एक्स की। आई बात समझ में, एक्स हमने अपनी तरफ से जनरल सिंबल चुन लिया था, फिर हमने एक्स की खासियत लिखी। देखो एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है ये डिपेंड करता है इसकी प्रॉपर्टी पर, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कोलन के बाद क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो खासियत क्या है, एक्स इज ए वोबिल, एक्स क्या है, एक वोबिल है। तो अब हम समझ गए वी सेट क्या होने वाला है, कि भैया वी सेट में एक्स की वह वैल्यू हो सकती है जो वोबिल्स हों। जैसे ए, अगर मैं ए लिखूं तो ए एक वोबिल है, तो x की जगह क्या आ सकता है, a भी आ सकता है, कॉमा, और क्या और वोबिल्स हो सकते हैं, मैंने कहा ना x की कोई एक वैल्यू नहीं होगी, x की वैल्यू डिपेंड करती है उसकी करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पर। आगे जो यहां पर आप उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करने वाले हैं वो डिसाइड करेगी x की क्या क्या वैल्यूज होने वाली है। जैसे हमने प्रॉपर्टी क्या डिफाइन की, वोबिल डिफाइन की, तो जितने भी वोबिल होंगे वो इस सेट का एलिमेंट होंगे। आई बस में, तो ए ई आई ओ यू, ये भैया पांचों के पांचों एलिमेंट हो गए। तो ये हमने क्या बना दिया, इस सेट को ही रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ये क्या है, इसी सेट का सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन है। तो इन दोनों सेट में कोई भी अंतर नहीं है, ये सेट भी सभी वोबिल्स का सेट है और ये सेट भी सभी वोबिल्स का सेट है। अंतर सिर्फ इतना है, आपने रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल दिया, ऊपर सेट बिल्डर फॉर्म में किया था, नीचे रोस्टर फॉर्म में किया था। आई बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगर मैं फर्स्ट फोर नेचुरल ऑड नंबर का सेट लिखूं, फर्स्ट फोर नेचुरल ऑड नंबर का सेट लिखूं, तो देखो एक बात और याद रखना, हम
जो सेट लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में जो हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही सेट को कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आगे देखेंगे किस तरीके से। अभी देखो मैं दूसरा लिखता हूं सेट ऑफ फर्स्ट फोर ऑर्डर नंबर, तो इसको कैपिटल एस से लिख रहा हूं, ठीक है। जनरल कोई नंबर चुन लेंगे सिंबल इसके लिए एक्स, और एक्स की खासियत क्या है, एक्स इज दी, या इस तरीके से लिखो एक्स इज ए नंबर फ्रॉम फर्स्ट फोर ऑड नेचुरल नंबर। आई बात समझ में? तो एस एक्स है ना, एस हमने सेट लिखा किसका, फर्स्ट फोर ऑड नेचुरल ऑड नंबर का, फर्स्ट फोर ऑड नेचुरल नंबर्स या नेचुरल ऑड नंबर्स है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, किस तरीके से लिख सकते हो। तो हमने क्या लिखा, एक्स एक्स सिंबल चुन लिया, और उसकी खासियत क्या लिखी, एक्स इज ए नंबर, एक्स एक नंबर है फ्रॉम में से, किसमें से, फर्स्ट फोर ऑड नेचुरल नंबर या फर्स्ट फोर नेचुरल ऑड नंबर, ठीक है। तो शुरू के चार ऑड नेचुरल नंबर में से एक्स एक नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स शुरू के चार ऑड नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वन, क्योंकि वन शुरू के चार ऑड नंबर में आता है नेचुरल नंबर में, तो वन आ जाएगा। इसी तरीके से थ्री फाइव सेवन, आई बात समझ में? तो भैया दोनों के दोनों सेट क्या है, सेम ही है, तरीका बदल गया है, सेट बिल्डर फॉर्म और ये क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद देखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिए, कैपिटल एन से देखो तो स्टैंडर्ड सिंबल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन, सेट ऑफ इंटीजर कैपिटल जेड, सेट ऑफ इंटीजर कैपिटल आर, सेट ऑफ रेशनल नंबर कैपिटल क्यू, ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर कैपिटल टी, ये तो स्टैंडर्ड सिंबल है, ये तो आपको याद रखने हैं, जहां भी सभी नेचुरल नंबर की बात आती है तो कैपिटल एन से ही उसको डिनोट किया जाता है। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल, एक्स एक्स लिख लिया कोलन, अब एक्स की खासियत लिखो, एक्स तो हमने सिंबल चुन लिया नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने का, एक्स की खासियत क्या है, एक्स की खासियत है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है। तो बच्चों बस ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब हमें पता है एक्स की जगह कोई भी हम नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, तो ये सभी नेचुरल नंबर का क्या बन गया, सेट बन गया। इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे मैं इसको लिखूंगा एक्स, ठीक है। अब इसकी थोड़ी मैथमेटिकल डेफिनेशन देते हैं, ये डेफिनेशन भी चलती है, या फिर आपको और अच्छे तरीके से लिख सकते हो, एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एक्स एलिमेंट है नेचुरल नंबर के, एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब भी यही होता है, ये इसका मतलब भी क्या होता है कि ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं, अब देखो बात करते हैं, अगर मैं फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर लिखूं तो फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर के सेट को हम एक तरीके से नहीं कई तरीके से लिख सकते, देखें किस तरीके से लिखेंगे। तो मैं लिखना चाहता हूं सेट ऑफ फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर, शुरू के चार नेचुरल नंबर का हमें सेट बनाना है, ठीक है। अभी देखो इसमें सारे नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको हम कैपिटल एन से डिनोट नहीं करेंगे, मैं इसको जनरली एस से डिनोट करता हूं, ठीक है। तो ऊपर एस मान लिया, इसको एस वन मान लो, ये कोई और अल्फाबेट चुन सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, पहले एक सिंबल चुनेंगे, एक्स हमने सिंबल चुन लिया, अब इसकी खासियत लिखेंगे, तो एक्स की खासियत क्या है, एक्स इज ए नंबर, है ना, कई तरीके से लिखेंगे इसको, एक्स इज ए नंबर फ्रॉम फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर। तो पहली डेफिनेशन तो सिंपल जैसे ऊपर बनाई थी हमने कि एक्स एक नंबर है शुरू के चार नेचुरल नंबर में से। आई बात समझ में? आगे देखो इसी को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स, अब एक्स की खासियत लिखें, यहां से देखेंगे बिल्कुल एक्स की खासियत लिखेंगे, तो पहले मैं लिखूंगा एक्स बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब क्या हो गया, तो बच्चों ये तो यही हो गया जो ऊपर लिखा था हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसकी और भी तो खासियत है, क्योंकि यहां पर जो हम सेट लिख रहे हैं वो शुरू के चार नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, तो देखो कैसे लिखेंगे, x belongs to n, यहां पर आप या तो कोमा लगा देंगे, कोमा का मतलब भी एंड होता है, या एंड लिख देंगे a n d। आई बात समझ में? तो यहां पर मैंने कोमा लगाया, इसकी दूसरी खासियत लिखूंगा कि भैया x नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ x की जो वैल्यू है चार से छोटी या इक्वल है, और एक से बड़ी या इक्वल है। अब ध्यान से देखो, अब ये डेफिनेशन पूरी होगी, x एक नेचुरल नंबर है, और कैसा नेचुरल नंबर है कि भैया ऐसा नेचुरल नंबर है एक से बराबर या एक से बड़ा, चार से बराबर या चार से छोटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स
एक नेचुरल नंबर है जो एक के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, जो चार से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो वही आ गया 1, 2, 3, 4, है ना। ऐसे नेचुरल नंबर लिख दो जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो ये भी बन गया हमारा क्या, सेट ऑफ फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एस वन को ही लिखने का। और देखो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं कि भैया सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन के अनेकों तरीके हैं। ठीक है, जैसे आपने ऊपर एक इंग्लिश की लाइन लिख दी, यहां पर एक सेंटेंस के रूप में इसको लिख देंगे, चल इसको मैथमेटिकल डेफिनेशंस लिख रहे हैं। ठीक है, तो और तरीका क्या लिख सकता हूं, एक्स एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे भी लिख सकता हूं भाई मैं, इंटीजर और आई पॉजिटिव लिख दूंगा तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो एक्स पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, आई पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, सॉरी आई पॉजिटिव नहीं बच्चों, जेड जेड पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है कि भैया 1 से बड़ी है, इक्वल हो सकती है 4 के इक्वल है छोटू, या भैया इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 से छोटी। आई बात समझ में, मैं सिर्फ इसको जानबूझ के वेरिएशन इसमें ला रहा हूं ताकि आपको पता चले कि सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करने के अनेकों तरीके होते हैं। ठीक है, तो एस वन इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव जेड, तो एक्स पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, और कौन से पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, तो कोमा का मतलब होता है एंड, और साथ ही साथ कि ये प्रॉपर्टी भी इसके और इसकी खासियत ये भी है कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो एक या एक से तो बड़े हों, 5 से छोटे हों, तो 5 से छोटा इंटीजर 4 ही आ जाएगा। अगर यहां पर मैं 4 लिखता तो मुझे साथ साथ इक्वल टू का निशान भी लगाना पड़ता। ठीक है, और आगे देखेंगे, देखो सेट या आने वाले चैप्टर रिलेशन फंक्शन हो गया, ये जो चैप्टर होते हैं इसमें हम थ्योरी से बहुत ज्यादा नहीं सीख पाते, लेकिन जब हम इनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं, एग्जांपल करते हैं, तो हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इसके एग्जांपल करेंगे, तब भी नहीं समझ में आएगा तो बच्चों पूरी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इस तरीके से अब हम रियल नंबर को लिखते हैं, रियल नंबर का सेट जिसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे, लेकिन यहां करेंगे। ठीक है ना, तो देखो रियल नंबर का सेट आर, एक्स सिंबल चुन लिया, सिंपल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सीधा सीधा हो गया रियल नंबर का सेट। आई बात समझ में, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी। यस, देखते बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट सेट की एक प्रॉपर्टी और देखेंगे हम कि एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट, कि बच्चों सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर का सेट लिखो, तो आप ऐसे लिख सकते हो फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर का सेट 1, 2, 3, 4, 4, 4। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने 4 को 3 टाइम्स लिख दिया है, अब मैं पूछू ये सेट किस चीज का है, तो आप देख के क्या बोलोगे कि इसमें आपने 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, लेकिन वास्तव में मैंने जो कलेक्ट किए हैं वो तो शुरू के 4 नेचुरल नंबर ही किए हैं भाई, 4 को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जो कलेक्शन है वो तो 4 नंबर का ही ना, 1, 2, 3, 4। आई बात समझ में, तो अगर आप सेट में एक नंबर को एक से अधिक बार लिखते हैं उसको एक ही एलिमेंट गिना जाता है। आई बात समझ में, आप इसको एक बार लिखो, 5 बार लिखो, चाहे इसको 10 बार लिखो, इसको गिना एक ही बार जाएगा। तो अच्छा क्या है, इसको एक ही बार लिखो। ठीक है, तो मैं इस सेट को ऐसे ना लिख के क्या लिखूंगा, 1, 2, 3, 4, मतलब नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं, शायद उससे आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक सेट और लिखता हूं मैं, देखेंगे ध्यान से, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैंने ये वर्ड लिखा मैथमेटिक्स, इसके लेटर्स का मुझे सेट बनाना है। ठीक है, तो इसके लेटर्स का सेट कैसे बनाएंगे, कैपिटल एस से डिनोट करता हूं मैं इसको, ऊपर वाले को एस मान लिया तो इसको एस वन मान लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये कर लिया रखी है एस वन। अब देखो एम ले लिया मैंने, क्या बनाना है, इसके लेटर्स का कलेक्शन करना है, तो एम ले लिया, एम के बाद ए आ गया। तो आप एक काम क्या करो, जब आप एम लिख रहे हैं तो सभी एम को काट लो इस तरीके से रफली, है ना, ताकि आप इसको रिपीट ना करो, क्योंकि रिपीट करो तो भी कोई फायदा नहीं, इसको एक ही बार लिखा जाएगा, जो एलिमेंट्स का संख्या है वो तो एक ही बार गिनी जाती है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट इसका एम हो गया, उसके बाद बाकी जितने भी एम है उनको काट लो, क्योंकि एम को एक ही बार लिखेंगे, एक से अधिक बार नहीं लिखेंगे। ए हो गया, ये लिखा, ए को भी काट लिया, एम ए। उसके बाद टी आया, बस उसके बाद एच आया, एक ही बार लिखा हुआ एच तो। उसके बाद ई आया, उसके बाद तो पहले मैं देखो इस एम को पहले लिख चुका हूँ, ए को पहले लिख चुका हूँ, तो इसको मैं बार बार क्यों रिपीट करूँ, क्योंकि कलेक्शन तो एक ही बार एम, कलेक्शन तो एम का ही है ये। आई बात समझ में, इसी तरीके से ए टी एच ई, अब जो रिपीटेशन है इसको नहीं लिखेंगे, आगे आई आ गया, काट लो इसको भी, सी आ गया, तो ये रफली करना है आपको, ये काट लेगा ना,
ये रफली करना है, MATHEICS। तो मैंने मैथमेटिक्स के सभी लेटर का कलेक्शन कर लिया है। आई बस में तो हम रिपीटेशन नहीं करते हैं सेट में, आप एक नंबर अगर बार बार भी रिपीट हो रहा है उसको एक ही एलिमेंट की तरह काउंट किया जाता है या ट्रीट किया जाता है। आगे देखेंगे बच्चों कुछ एग्जाम्पल, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, तो अपनी बुक खरीद लीजिए ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो मैं क्वेश्चन सारे ही कराने वाला हूँ। देखेंगे इसको एग्जाम्पल नंबर वन, राइट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। अब देखो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पूरी टेंथ में आप इसको तो पढ़ते ही आ रहे हो, है ना, लगभग हर चैप्टर में इसका आपने यूज किया है, थर्ड या फोर्थ चैप्टर में आ गई थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होता है वो इसके रूट्स ही तो होते हैं, रूट्स निकालना आप जानते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके रूट्स निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। जब हम सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं तो इक्वेशंस के रूट्स का सेट लिखो, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो वही तरीका अपन अपनाएंगे, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, और ये माइनस यहां जाता है। ठीक है, तो इसके क्या है, इसके लिए कोफिशियंट इसका वन है, तो वन की मल्टीप्लाई टू से करेंगे, टू वन या टू, टू के ऐसे फैक्टर जिनको घटाकर ये साइन यहां जाता है ना, टू के ऐसे फैक्टर जिनको घटाकर कितना आए, वन आए, तो ये टू वन जा टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन ले लेंगे, माइनस वन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी ना, पूरे टेंथ क्लास में ये तो पढ़ता है हो। ठीक है, तो x की देखो एक वैल्यू यहां से आएगी, x प्लस टू इक्वल टू जीरो रखेंगे, x इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, और या फिर x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी उसको ले जाएंगे तो वन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या बना इसका, तो कैपिटल S से लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन सेट s माइनस टू और वन, ये क्या बन गया इसका सॉल्यूशन सेट। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, याद रखें कर्ली ब्रैकेट जरूर लगाते हैं जब हम सेट को बंद करते हैं, इस सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद कर्ली ब्रैकेट उसके दोनों तरफ लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर टू। ठीक है, देखो इसको ध्यान से, राइट दी सेट x, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 40, कौन सी फॉर्म है ये, गेस करो, सेट बिल्डर फॉर्म है ये, है ना। देखो एक नंबर मान लिया इन्होंने, अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट x सिंबल ले लिया, x की खासियत क्या है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है और x का स्क्वायर क्या है 40 से छोटा है। तो अगर मैं यहां तक की डेफिनेशन की बात करूं तो मेरे दिमाग में सारे पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन x वही पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं जिनका स्क्वायर 40 से छोटा है। तो करना शुरू करते हैं, अगर मैं 1 देखूं, 1 का स्क्वायर करूं तो 1 ही आता है, ये 40 से छोटा है, अच्छी बात है, हमारे सेट का एलिमेंट हो जाएगा 1, क्योंकि 1 एक पॉजिटिव इंटीजर भी है और 40 से छोटा है 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर कितना है 4, छोटा है 40 से, 4 भी 40 से छोटा है, तो 2 का स्क्वायर 40 से छोटा है तो 2 भी क्या हो जाएगा इसका एलिमेंट हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना है 9, छोटा है 40 से। इस तरीके से 4 का स्क्वायर 16, छोटा है 40 से। 5 का स्क्वायर 25, छोटा है 40 से। 6 का स्क्वायर 36, छोटा है 40 से। बट 7 का स्क्वायर 49 इज नॉट, छोटा है 40 से। ठीक है, तो कौन कौन सा है हमारे पास इंटीजर, 1 2 3 4 5 6, जिनके स्क्वायर 40 से छोटे हैं। तो इस सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो लिस्ट बनानी पड़ेगी, 1 2, है ना, हर एक लिस्ट पर हर एक एलिमेंट पर कॉमा लगाते चले जाइए, 3 4 5 6 एंड ब्रैकेट। आई बस में तो हमने इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये इसकी सेट फिल्टर फॉर्म होगी। आगे देखेंगे, इस बार हमें उल्टा करना है, एक सेट दिया हुआ है इसको हमें सेट फिल्टर फॉर्म में लिखना है। तो सेट फिल्टर फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, देखते हैं किस तरीके से लिखते हैं। तो पहले इस सेट को मैं नीचे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये ए दे रखा है, यहाँ पर नहीं दिया था, यहाँ पर ए दे रखा है। तो एक सेट देखो, ए किस तरीके से, 1 4 9 16 25। अब बच्चों इसकी करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आपको पता लगानी पड़ेगी, इसमें कुछ ऐसी सिमेट्री दी हुई होगी जो आपको अपनी अभी तक जो आपने मैथ में पढ़ा है उस नॉलेज की मदद से आप पता लगाओगे। जैसे मुझे लग रहा है देखो ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, तो आपको कुछ सिमेट्री दिख रही है, क्या ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं है, 1 क्या है 1 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 16 क्या है 4 का स्क्वायर, 25 क्या है 5 का स्क्वायर, इस तरीके से 6 का स्क्वायर, सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। तो अब इस सेट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, आगे सीरीज बढ़ती जाएगी 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो पता चल गया सिमेट्री। अब इसको लिखे हैं कैसे, ध्यान से देखेंगे। तो अब हम लिखते हैं इसको ए एक्स, अब एक्स की खासियत लिखते हैं, तो एक्स क्या है 1, और 1 क्या है 1 का स्क्वायर, x की जगह 4 हो सकता है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे देखो 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से लिख देता हूं मैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे,
एक्स मुझे पता है जो एक्स की वैल्यू होने वाली है वो सेट के एलिमेंट होने वाले, तो मैं लिखूंगा भैया एक्स है एन स्क्वायर के इक्वल, एक्स की जगह 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25, लेकिन जो एक्स है वो किसी के स्क्वायर के इक्वल है, जैसे यहाँ पर जो 4 है एक्स, इसके एलिमेंट क्या है 4, 4 2 के स्क्वायर के इक्वल, इसके एलिमेंट क्या है 9, 3 के स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे एक्स, एक्स इक्वल टू एन का स्क्वायर। अब एन की खासियत लिखेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, एन पे, और एन क्या है लिखेंगे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिल्कुल ध्यान से देखो यहाँ इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, हमारे जो एलिमेंट बनेंगे सेट के वो एन नहीं बनेगा, वो तो एक्स बनेगा, एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है एन पे। अब देखो अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया जाता, मुझसे कहा जाता है इसकी क्या लिखो, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो, तो देखो ये फॉर्म कैसा आएगी, एन की वैल्यू सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं तो एन की जगह पर 1 रखूंगा तो एक्स मुझे क्या मिला 1 का स्क्वायर, एन की जगह पर अगर मैं दूसरा नेचुरल नंबर रखूंगा 2 तो एक्स क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 4 आ गया। एन की वैल्यू क्या, सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, सब नेचुरल नंबर को रखो इसकी जगह 3 रखोगे तो 3 का एक्स क्या है एन का स्क्वायर, तो 3 स्मॉल एन का, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ऐसे जब नेचुरल नंबर को एन की वैल्यू 4 भी तो हो सकती है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो सारे के सारे इस सेट का एलिमेंट बन जाती है, मैं पहले बता चुका हूं। आई बात समझ में, तो ये बनी हमारे पास रोस्टर फॉर्म, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, और फिर से अगर इस तरीके की फॉर्म दिया तो ये हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। x, x की खासियत क्या है कि वो n के स्क्वायर है और n क्या है नेचुरल नंबर्स का एक एलिमेंट है, तो 1 रखेंगे n की जगह, सारी n की पॉसिबल वैल्यू रख सकते हैं 1, तो x की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर 1, n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 का स्क्वायर 4, जब 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर 12 एंड सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर रख सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। आई बात समझ में, तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी बहुत सारे आने वाले, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर सारे क्लियर हो जाएंगे, नोट करिए इसको। तो देखते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 4, ठीक। तो देखो एग्जांपल नंबर 4 में हमें दिया है राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, 6/7, और यहाँ पर सीरीज खत्म हो गई ना, आगे इनफाइनाइट तक नहीं चल रही है ये, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये किस फॉर्म में दे रखा है, कॉमो से सेपरेट करके दे रखा है और लिस्ट बनी हुई है, तो ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। आई बस वन में, अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको पहले पता करनी पड़ेगी इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ठीक। देखते ध्यान से सॉल्यूशन में, अब देखो इसमें पैटर्न्स देखो, पैटर्न्स क्या फॉलो हो रहा है, तो देखो 1/2, फिर 2 पर पहुंच गया 2/3, फिर 3 पर पहुंच गया 3/4, तो इस पैटर्न को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/1 + 1 2 होता है, 2/2 + 1 3/, है ना। देखो जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। आगे 4/4 + 1, तो ये फॉलो हो रहा है पैटर्न, ठीक है। 5/ इनफाइनाइट तक नहीं चलेगी तो मैं सीरीज को लिख ही देता हूं 5+1 एंड 6/6+1, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अब मुझे इसको क्या है, n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, अगर मैं इसको n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाया तो फिर मैं इसको आसानी से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। तो देखो 1/1, 2/2, 3/3, और ये सब में कॉमन चल रहा है 1, ये तो कॉमन चल रहा है 1, क्या चीज चेंज हो रही है, ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये 1/1 हो गया, 2/2, 3/3, तो मैं इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, इसकी जनरल फॉर्म n 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो संख्या आगे चेंज होती जा रही है उसी जगह पर क्या कर लेंगे n रखेंगे, n/(n+1). अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो पहला नंबर आ जाएगा 1/1 + 1, n की वैल्यू 2 रखूं तो 2/2 + 1 कितना 3, तो दूसरा नंबर आ जाएगा। n की वैल्यू 3 रखूं और n की वैल्यू कहां तक रख सकता हूं 6 तक, तो पता चल गया क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें जनरल फॉर्म हमने लिख ली। अब लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूं s, जनरल एलिमेंट लिखेंगे पहले x, है ना। अब x की खासियत लिखेंगे, x की खासियत क्या है, तो x क्या है, x इक्वल टू n/(n+1) है, और n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, क्या लिख सकता हूं, n एक नेचुरल नंबर है और n छोटा है इक्वल है 6 से, इंटीजर भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, n 6 से छोटा है इक्वल पॉजिटिव इंटीजर, एक ही बात है। मैंने कहा ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जो आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इसका पैटर्न समझा, उस पैटर्न को जनरल फॉर्म में तब्दील किया, अब उस जनरल फॉर्म की तरफ मदद से हमने इसको लिख दिया कि भैया x क्या है, x के एलिमेंट x हैं, और x की खासियत है कि x इक्वल टू n/(n+1) है, और n क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, और 6 से छोटे हो सकते हैं, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। अब 1 रखोगे तो पहला एलिमेंट मिल जाएगा 1/1, तो x की एक वैल्यू मिल गई आपको 1/2, n की जगह पर 2 रखूंगा तो 2/2 + 1 कितना हो जाएगा 2/3,
तो 2/3 एक्स की दूसरी वैल्यू मिल गई, 3 रखोगे तो तीसरी, 4 रखोगे चौथी, 5 रखोगे पांचवी, 6 रखोगे, तो एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, तो 6 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं ये सभी, तो ये सभी क्या हो सकते हैं, इसके एलिमेंट हो सकते हैं। आई बस में तो ये थी रोस्टर फॉर्म, और नीचे हमने क्या लिख दी है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और आगे जब प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज में तो काफी कुछ इसमें क्लियर होने वाला है आपको। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल लास्ट, ठीक। तो मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो लेफ्ट साइड में हमें दी हुई है रोस्टर फॉर्म और राइट साइड में दी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म, हमें मैच करना है, ठीक है, हमें इसमें मैच करना है। तो ध्यान से देखो, तो तरीका क्या है, देखो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तो एक ही तरीका होता है, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हम इनको सेट, इनको रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे और देखेंगे इसमें से कौन सा आंसर मैच करता है, उससे मिला देंगे। जैसे पहला है एक्स, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18, तो एक्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और 18 का डिवाइजर है, मतलब 18 को वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो क्या क्या वैल्यू इसकी हो सकती है, तो देखो 1 हो सकती है, फैक्टर कर लो 18 के फैक्टर कर लो, ठीक है, तो 2 × 18 3 × 3 9, अब देखो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो 1 तो सब पे फैक्टर होता है, तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अब इनकी प्रोडक्ट करके देख लो क्या हो सकती है, 3 × 2 = 6 हो सकती है, ठीक है, 3 × 3 जितनी भी पॉसिबल हो सकती है 9 हो सकती है, 3 × 3 = 9 × 2 = 18, तो ये मैंने वो सभी नंबर लिख दिए हैं, ये आप यहां से देख सकते हो, 1, 2, 3, 6, 9, 18 सबके सब नंबर 18 को पूरा पूरा काट रहे हैं, मतलब हमारे पास डेसिमल में नंबर नहीं आ रहा है, तो ये डिवाइजर्स कहलाएंगे, जैसे 18 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो 18 ही आ गया, कितना 18 आ गया, पूरा एक नेचुरल नंबर इंटीजर हमको मिला, तो 1 क्या हो गया इसका डिवाइजर, 2 से डिवाइड करोगे 18 को तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 2 भी डिवाइजर हो गया, इसी तरीके से 3, 6, 9, 18 ये सारे इसके डिवाइजर हो गए, तो ये हमने इसको मैच कर दिया। आई बात समझ में, आगे देखेंगे इसके बाद, क्लियर है, आगे देखो इसके बाद सेकंड, x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x एक इंटीजर है और इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो इसके रूट्स निकाल देंगे, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, है ना, सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 9 आई, दोनों तरफ रूट ले लो तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3, दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, ठीक है ना, अगर x प्लस माइनस 3 है तो x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3 में भी 9 आएगा और प्लस 3 में भी 9 आने वाला है। आई बस में तुम्हारे पास दो वैल्यू है प्लस माइनस 3, दोनों ही इंटीजर हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद थर्ड देखते हैं, x इज एन इंटीजर x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो x एक इंटीजर है और x प्लस 1 इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करेंगे घट जाएगा इधर जाके 1 माइनस 1 0, तो 0 क्या है इंटीजर है, तो ये इसका सेट होगा, ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और लास्ट में आपके पास बचा ये कि कॉलम x is the letter of the word principal, तो principal के सभी letter को एक एक बार लिखोगे तो p एक बार आ जाएगा, r एक बार आ जाएगा, i एक बार आ जाएगा, n एक बार आ जाएगा, c एक बार आ जाएगा, ip तो पहले ही आ चुके हैं, उसके बाद लास्ट में ये आ गया, l आ गया, तो इससे कॉलम मैच हो जाएगा। आई बात समझ में, तो बच्चों बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है, लेकिन इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बारीकी से पढ़िए, बहुत ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, आपकी रिलेशन फंक्शन हो गया, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, आपकी सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आई बात समझ में, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए, धन्यवाद।